Dushyant Kumar Gautam, National Secretary BJP, also joins us now on NewsX. Dushyant Gautam, this is a big news for LK Advani. Aapki pehli pratikriya kya rahegi is khabar ko lekar? It's of course the highest civilian award, the Bharat Ratna, which has been conferred on him. भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता और देश के नागरिक बहुत खुशी महसूस करते हैं जी कि अडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। मैं भारत सरकार का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। अडवाणी जी का जब नाम लेते हैं तो हमें ध्यान में आता है सुचिता स्वराज, पारदर्शी जीवन, ईमानदारी, जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत और लगन से देश की सेवा की है। 5 बार आप लोकसभा सांसद रहे, 4 बार राज्यसभा सांसद रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। आपका राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समस्त क्षेत्रों के अंदर आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं जिस प्रकार से हमारा आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि का संघर्ष, जिसको गति देने का काम आदरणीय आडवाणी जी ने किया, जो 500 वर्ष तक हम संघर्ष करते रहे, आज वो उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो आडवाणी जी का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने जब देश का विभाजन हुआ और विभाजन के समय में पाकिस्तान से वे आए थे और पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के साथ में जिस प्रकार अत्याचार किया, उनके लिए संघर्ष करना, आज पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए उनको नागरिकता मिले, ये का अनेकों अनेक संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष किया है, उनका काफी योगदान रहा है आपकी पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी और खास करके राम मंदिर के लिए भी। दुष्यंत गौतम जी, आप बने रहिए, मैं आपकी एक और प्रतिक्रिया भी चाहूंगा, मगर मैं एसपी सिंह बघेल को भी इस वक्त मौका देना चाहूंगा बोलने का। मिनिस्टर शायद मिस्टर बघेल के संग हमारा लाइन जो है वो कट गया है तकनीकी कारणों के लिए, मगर दुष्यंत गौतम जी आप खुद बताइए, आपके भी इंटरेक्शंस रहे हैं एलके अडवाणी जी के संग, कितने खास वो इंटरेक्शंस रहे हैं, कुछ आप भी बताइए पर्सनल इंटरेक्शंस एलके अडवाणी जी के संग आपके क्या रहे हैं और आपको क्या लगता है उनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है आपकी पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। देखिए अगर देखें अडवाणी जी का, क्योंकि अडवाणी जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दिल्ली से अनेकों अनेक संघर्ष चलते थे, तो मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूं, उनको मैंने देखा है काम करते हुए, जिस प्रकार से हार्ड वर्क वो करते थे और अपने स्पष्ट बाध्यता के लिए वो हमेशा मतूर रहे और अब भी रहे हैं। हमेशा उन्होंने एक कार्यकर्ता को हर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, और सेवा भाव जो कार्यकर्ता में बना रहना चाहिए, सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है, उसके माध्यम से हम राजनीतिक क्षेत्र से भी सेवा किस प्रकार से अदा कर सकते हैं, तो वो हमारे इस मामले में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अनेकों अनेक बार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद शोभित किया है और उसमें कार्यकर्ताओं के निर्माण की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो उनके द्वारा कार्यकर्ता का निर्माण हुआ है। आज भी उनके विचारों पे अनेकों अनेक कार्यकर्ता चलते हैं और मुझे लगता है कि जब वो अयोध्या की रामरथ यात्रा देते, स्वयं देश के वर्तमान प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ही थे और उन्होंने अनेकों अनेक समय पर दिशा देने के लिए और किस प्रकार संस्कारिक होकर समर्पण भाव जो था उसको आगे करने का काम किया है, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज जिस प्रकार से उनको भारत रत्न दिया गया है, मुझे लगता है कि समस्त राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, अन्य दलों के वरिष्ठ नेता रहे हो, सभी लोग जो समय समय पर आडवाणी जी के प्रति श्रद्धा भी पेश करते रहे, आज समस्त राजनीतिक दल के लोगों को भी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.